जिला रेवाड़ी के गांव पातुखेड़ा में घरेलू विवाद के चलते एक सेवानिवृत्त सैनिक ने आवेश में आकर अपने ही दो सगे भतीजों को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें रोहतक पीजीआई रेफर किया गया, जबकि आरोपी चाचा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक रविवार रात को दोनों भाइयों का अपने चाचा घनश्याम से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। इसके बाद बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि घनश्याम घर के अंदर से अपनी लाइसेंसी पिस्टल लेकर आया और उसने दोनों पर गोली चला दी। बताया जा रहा है कि घायल अमित और हंसराज की उम्र 23 से 25 साल है। दोनों के पैरों में गोली लगी है और पुलिस अब आगे की जांच में जुटी है। कल शाम करीब 4 बजे हमें सूचना मिली कि गांव पातुअड़ा में फायरिंग हुई है और दो बंदों को गोली लगी है। जो सूचना पर पुलिस तुरंत पहुंची और घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया इलाज के लिए, और तुरंत कार्रवाई करते हुए जैसे ही हमें कंप्लेंट प्राप्त हुई, हमने कंप्लेंट प्राप्त करके और धारा 307 के तहत एफआईआर दर्ज की, और एफआईआर दर्ज करके मुख्य आरोपी को हमने अरेस्ट कर लिया। झगड़े का कारण क्या है सर? पारिवारिक मनमुटाव है। आरोपी और घायल आपस में चाचा भतीजे हैं। सर, जो गोलियां चली हैं वो किस तरह की पिस्टल हैं? अभी तक तो हमें लाइसेंसी पिस्टल है, आरोपी का एक्स सर्विसमैन है, उसका लाइसेंसी पिस्टल बरामद हुआ। सर, ये जो घायल हैं उनको कहाँ एडमिट कराया गया? उनको सिविल हॉस्पिटल रेवाड़ी करवाया गया था, तो जिनमें से एक को पीजीआई रेफर कर दिया गया था। गुप्त सूत्रों से पता भी लग रहा है कि वहां से एक फरार भी हो गया है, क्या मामला था? वो एक घायल पहले ही प्राइमरी हॉस्पिटल जो यहाँ पीएचसी है बावड़, वहीं से ही दुरानी इलाज वहां से छोड़ के चला गया। अभी जो घायल है इनका क्या नाम है और जिन्होंने गोली चलाई उनका नाम थोड़ा बताएंगे सर? जी, घायल हुए हैं अमित और हंसराज हैं, और उनके जो आरोपी हैं वो उनके चाचा हैं घनश्याम। सर, गिरफ्तार कितने हुए इसमें? अभी एक की गिरफ्तारी हुई मुख्य आरोपी।